अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैतूल का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी प्रियंका चोपड़े को ब्राजील और चीन के खिलाड़ियों को परास्त करने के बाद गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का सर्टिफिकेट और सुविधाएं 2 साल के बाद भी उसे नहीं मिल पाई हैं। सरकार और प्रशासन की वह दर पर हर बार दरकार तो लगाती है, लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। इससे ही दुखी होकर प्रदेश की बेटी मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके जन्मदिन पर यह मेडल वापस भेंट करेगी। खिलाड़ी इस बेटी ने साफ कह दिया है कि खेल को लेकर मिले मेडल से अगर कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो फिर सरकार को ही वापस करना उचित होगा। मैं लगभग 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में, और मैंने 2017 में आगरा में टूर्नामेंट खेली थी। ब्राज़ील और चाइना के बीच में मेरा मैच हुआ था, जिसमें मैंने 7-8 से फाइट जीती थी, 1-17 और 10 से फाइट जीती थी। उस समय से लेके अभी तक मेरे 3 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो मैंने मध्य प्रदेश शासन, अपने खेल विभाग, शिक्षा विभाग सब में आवेदन दे चुकी हूँ, बट अभी तक उसका कोई आंसर नहीं आया है। क्या बोलते हैं अधिकारियों और इनका लोग? अधिकारी वगैरह सब यही बोलते हैं कि हम लोग आपके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग आगे बात कर रहे हैं, पर अभी तक कोई आंसर नहीं आया हम लोग। अब क्या करेंगे? अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सब जगह से हार मानने के बाद में मैं अब सिर्फ मुख्यमंत्री जी को उनके बर्थडे पर ये मेडल वापस करूँगी। उस मेडल की वजह से मुझे अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली और मैं उसके बिना आगे टूर्नामेंट भी नहीं खेल पा रही हूँ। तो अभी क्या कमलनाथ जी को उनके बर्थडे पर आप ये मेडल का गिफ्ट देना चाह रही है कि जिसकी वजह से आज तक आप परेशान हैं? हाँ, मैं उनके बर्थडे पर ये गिफ्ट उनको देना चाहती हूँ कि इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोग जान रहे हैं, ताकि मैं उनको उनके बर्थडे पर ये जो मेडल दे रही हूँ तो उन्हें भी पता चले कि हम लोग कितनी मुसीबत में उसकी वजह से। दिक्कत है, मेरे पास सामान तो मेडल है मगर जैसे चोरी का सामान आदमी खरीद लेता, वैसे मेडल मिल गया उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, मेरे पास बिल नहीं है सामान का, तो उसका कोई औचित्य नहीं है मेरे पास में। बच्ची मेरे परेशान हो रही, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया कि देश के लिए कुछ करे, बच्चों ने उनका काम किया, मैंने मेरा पालक का काम, मैंने मेरा काम किया, अदा किया, पर वो सर्टिफिकेट नहीं आने से बच्ची नाराज हो रही मेरी। कहाँ बच्ची की सर्टिफिकेट के लिए अभी तक आप भटके हैं भैया? मैंने तो जिला शासन से लेके प्रदेश स्तर से बोलो तो राष्ट्रीय स्तर तक मैंने लिखा पढ़ी किया हूँ मैंने, उसके बाद भी कोई आज तक ये नहीं बोला सामने कि भैया आपकी समस्या हल कर दे जाके, या समस्या हल हो जाएगी 2 दिन में 4 दिन में, कोई नहीं बोला आज तक। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं भैया? मुख्यमंत्री जी को याद दिलाएंगे, भैया आपको मेडल पकड़ो शासन की तरफ से, उनको उनके जन्मदिन पर बधाई दे के मिल के 2 शब्द बोल के उनको मेडल वापस करके आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि होनहार बच्चों के पालक को इतना भटकना पड़ रहा है जो देश के लिए नाम रोशन कर रहे हैं? भैया भटकना क्या, ये तो शासन की नीति है। बड़े लोग तो बोलते हम कर देंगे, पर छोटे अधिकारी अटका देते होंगे, ये भी हो सकता है कुछ। मेरा काम जहाँ तक था मैं कर रहा हूँ, लिखा पढ़ी करने का काम मेरा था, मैं कर दिया हूँ। क्या लगता है आपको कि आपकी बच्ची की जीती मुसीबत बन गई उसकी? नहीं, जी की मुसीबत तो बन गई ना, कोई औचित्य नहीं रहा ना। वहाँ तक गए, हमने पैसा भी लगाया, कर्ज भी किया, आपसे भी लिया, उधार भी लिया, ब्याज से भी लिया, हमको उसका पैसे का गम नहीं है। गम इसलिए है कि मेहनत करने के बाद में अपना खाली हाथ हो गए। मतलब आप ये कह रहे हैं देश का नाम रोशन किया लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट भटक रहे हैं।